आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा अपडेट आज चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच है कांटे की टक्कर। आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से लगातार 4 मैच आ चुकी चेन्नई सुपर किंग के सामने शानदार लय में चल रही टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर होगी। वही टक्कर इसलिए भी दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि लास्ट सीजन में चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल जिताने वाले डू प्लेसी इस बार आरसीबी के कप्तान के रूप में मैदान में होंगे। वही दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े को देखें तो अब तक यहां पर चेन्नई और बेंगलोर की टीमें 28 बार आमने सामने हो चुकी है, जिनमें 18 बार चेन्नई और 9 बार बेंगलोर ने बाजी मारी है। एक मुकाबला बगैर किसी परिणाम के समाप्त हो गया। वही आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा 205 रन और सबसे कम 70 रन बनाए हैं। वही सीएसके ने यहां पर आरसीबी के खिलाफ मैक्सिमम 208 और मिनिमम 82 रन बनाए हैं। वही चेन्नई की बात की जाए तो कप्तान रविंद्र जडेजा सीजन यहां पर टीम के लिए बेहतर खेल यहां पर नहीं दिखा पाए हैं। शायद टूर्नामेंट की शुरुआत के एक दिन पहले नए कप्तान के नाम के ऐलान से जो नाम का ऐलान हुआ है वो टीम के हित में नहीं रहा है। दीपक चाहर की चोट का टीम के कॉम्बिनेशन पर बहुत बड़ा असर यहां पर पड़ा है। वही सीएसके के लिए पावर प्ले में विकेट टेकर गेंदबाज न होने से विपक्षी टीमों को अच्छी शुरुआत यहां पर मिल रही है। वही डेट ओवर्स में यॉर्कर स्पेशलिस्ट बॉलर की कमी भी चेन्नई को भारी पड़ रही है। वही कोलकाता, लखनऊ और पंजाब और कमजोर मानी जा रही हैदराबाद तक चेन्नई ने इन टीमों से अपना मैच गवाए हैं। हालांकि लास्ट ईयर दोनों बार चेन्नई ने बेंगलुरु को यहां पर हराया था और आखिरी 6 मुकाबलों में 4 बार बाजी यहां पर चेन्नई के हाथ लगी थी। ऐसे में इतिहास यहां पर इतिहास का साथ चेन्नई के खेमे में है, लेकिन फॉर्म फिलहाल यहाँ पर बेंगलुरु की चल रही है। वही डू प्लेसी सीएसके की हर रणनीति से वाकिफ है और आज के मैच में यहाँ पर पलटवार की तैयारी के साथ वो यहाँ पर उतरेंगे। वही दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की संभावित प्लेइंग 11 में अनुज रावत बल्लेबाज के रूप में होंगे, डू प्लेसी और विराट कोहली और दिनेश कार्तिक बल्लेबाज के रूप में होंगे। तो वही ऑलराउंडर की भूमिका में ग्लेन मैक्सवेल, माइपा लोमरोर और हसरंगा और शाहबाज अहमद हो सकते हैं ऑलराउंडर में। वही गेंदबाजी की बात करें तो डेविड वे और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह यहाँ पर बेंगलोर की गेंदबाजी में यहाँ पर होंगे। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 की तो चेन्नई सुपर किंग में ऋतुराज गायकवाड़, रॉबर्ट थप्पा, अंबायतु रायडू और महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाज है। तो ऑलराउंडर में शिवम दुबे, रविंदर जडेजा, ब्रावो और मोइन अली ऑलराउंडर है। तो भाई गेंदबाजी की बात करें तो क्रिस जॉर्डन, लेटेना और इसके अलावा राज्यवर्धन हैंगरेकर इस टीम में यहाँ पर बॉलर के रूप में यहाँ पर होंगे। वही कुछ रिकॉर्डों के बारे में और देखे तो यहाँ पर पहले मुकाबले पंजाब किंग्स के खिलाफ 205 रन के बचाव यहाँ पर ना करने के बाद बेंगलोर के गेंदबाजी काफी यहाँ पर आलोचना हुई। यानी बेंगलोर पहले मैच में पंजाब के खिलाफ हारा था, पर यहाँ पर अगले 3 मुकाबलों में टीम ने यहाँ पर केकेआर, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई को यहाँ पर हराया है। पर राजस्थान के खिलाफ 4 ओवर में 4.5 की इकोनॉमी के साथ 18 रन देकर हर्षल पटेल ने यहाँ पर एक विकेट चटकाया था। पिछले सीजन में 32 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम करने वाले हर्षल इस बार यहाँ पर आरसीबी के लिए ध्रुव का एक साबित हो सकते हैं। वही आईपीएल में पहली बार कप्तानी करते हुए डू प्लेसी यहाँ पर बेहद ही यहाँ पर कॉन्फिडेंट लीडर नजर आ रहे हैं। बल्ले से टीम के लिए योगदान के कारण भी उनकी अहमियत टीम की ओर बढ़ गई है। आज के मुकाबले में इतिहास जरूर सीएसके के साथ है, लेकिन फॉर्म आरसीबी के साथ है। इन हालातों में देखना ये दिलचस्प होगा कि रॉयल चैलेंजर अपनी टीम की विनिंग यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर जो कायम है वो रखती है या फिर चेन्नई सुपर किंग आज अपना जो यहाँ पर खाता है वो यहाँ पर खोल पाएगी।